अति के हम का नहीं, मैं बताऊंगा कि अति के हम के बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है, जिस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है मैं नहीं बोलूंगा। हाँ। सब दिखावे हैं और कुछ नहीं है। ये मुझे बता दो तुम किस पर बुलडोजर चलाया सीधा, सिवाय मुसलमान के अलावा और कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन बुलडोजर का तो इनका जिस पर जी करता है उस पर चला देते हैं। आप पे चलाया क्या? हमारे पे क्यों चलेगा? लेकिन निर्दोष है ना आप, ये कह रहे हैं कि बुलडोजर तो ये है कि मुसलमान पे सबसे जल्दी चलता है, मुसलमान के नाम पे चलता है। क्या वजह है? मतलब क्या वजह? क्या मुसलमान है ये चलता है? इसलिए चला रही है। हाँ, मुसलमान इसलिए चलता है। आप अतीक अहमद को कम्युनिटी से मत जोड़े, मुसलमानों से मत जोड़े। अगर अतीक अहमद अच्छा होता तो हर आदमी जोड़ता, उसके साथ होता। अगर वो गलत है तो कोई उसके साथ नहीं। जब मैं क्या, आप भी क्या, कोई भी नहीं जाएगा। अतीक अहमद की बात कर रहे हैं, वो अभी आ रहे हैं, अब देखें कोर्ट का निर्णय लेते हैं उनके बारे में। जो उन्होंने कराया उसको भरेंगे। अब जो जैसा जैसी करनी वैसी भरनी वाली बात होनी चाहिए। करता है वो वैसा भरता है। माफिया के लिए जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, जो अपने हिसाब से कर रहे हैं। हाँ, सही कर रहे हैं। हाँ, सही कर। ऐसा तो नहीं है भेदभाव हो रहा है? मतलब भेदभाव हो ही रहा है मुसलमानों के साथ। गुंडों के लिए कोई भेदभाव थोड़ी नहीं? गुंडों के लिए भेदभाव कैसे नहीं हो रहा है बताइए? उस हर आदमी को सताया जाएगा जो उस पार्टी से जुड़ा हुआ होगा और खासतौर से मुसलमान होगा। ये जो हो रहा है मुसलमानी गुंडे हैं सिर्फ। टॉप 10 लिस्ट जारी करी है इन्होंने। योगी जी कैसा काम कर रहे हैं माफियाओं के लिए, गुंडों के लिए? माफियाओं के लिए जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, जो अपने हिसाब से कर रहे हैं। हाँ, सही कर रहे हैं। हाँ, सही कर। ऐसा तो नहीं है भेदभाव हो रहा है? मतलब भेदभाव हो ही रहा है मुसलमानों के साथ। गुंडों के लिए कोई भेदभाव थोड़ी नहीं? गुंडों के लिए भेदभाव कैसे नहीं हो रहा है बताइए? कैसे हो रहा है गुंडों के लिए बताएं आप। सबसे पहले ये जो हो रहा है मुसलमानी गुंडे हैं सिर्फ। टॉप 10 लिस्ट जारी करी है इन्होंने, बताएं आप। आप ही बताएं, आपको ज़्यादा बताएं, आप घूमते हैं। चलिए हम तो कभी कभी आपके सामने आ गए। अच्छा, अतीक अहमद की बात मैं कर रहा था। अतीक अहमद की बात कर रहे हैं, वो अभी आ रहे हैं, अब देखें कोर्ट का निर्णय लेते हैं उनके बारे में। जी। जो उन्होंने कराया उसको भरेंगे। जी। अब जो जैसा कर, जैसी करनी वैसी भरनी वाली बात होनी चाहिए। करता है वो वैसा भरता है। हाँ। अगर हम कुछ करेंगे तो हम भी भरेंगे उसको। ऐसा तो नहीं है निर्दोष व्यक्तियों पर बुलडोजर चला रही हो सरकार? ये देखो बुलडोजर तो चल ही रहा है, जिस पर भी चल रहा है, निर्दोष से चल रहा है, जिस पर भी चल रहा है तो चला ही रही है बुलडोजर तो। लेकिन बुलडोजर का तो इनका जिस पर जी करता है उस पर चला देते हैं। आप पे चलाया क्या? हमारे पे क्यों चलेगा? लेकिन निर्दोष है ना आप, ये कह रहे हैं कि बुलडोजर। हाँ। बुलडोजर तो ये है कि मुसलमान पे सबसे जल्दी चलता है। हाँ। मुसलमान के नाम पे चलता है। क्या वजह है? मतलब क्या वजह? क्या मुसलमान है ये चलता है? इसलिए चला रही है। हाँ, मुसलमान इसलिए चलता है। हाँ। क्या दिक्कत है क्या सरकार को आपसे? सरकार भेदभाव कर रही है मुसलमानों के साथ में, क्या कर रही है? सरकार तो कहती है हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल बोलने के लिए है, सिर्फ बोलने के लिए है ये। लेकिन सबका साथ सबका विकास नहीं है ये। आप आ गए, कोई और मीडिया आपने देखी कहीं भी जाती ही? ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के जरिए अगर कोई बात हमें पहुंचानी तो सोशल मीडिया से ही पहुंचती है, वरना वैसे कोई सुनने वाला नहीं है मुसलमान की। मतलब भेदभाव हो रहा है आपका ऐसा कहना है? मुसलमान के साथ में भेदभाव है, सबसे बड़ा भेदभाव है। कुछ नहीं है ये, कुछ भी नहीं है, सिर्फ मुसलमान के नाम पे बुलडोजर चलाना है। आप आज़म खान को देख लो क्या हो रहा है आज़म खान के साथ में। यूनिवर्सिटी को बंद कर दे, कितने बच्चों का मुस्तकबिल था जो उन्होंने बंद किया है। राजनीति करनी थी आपको तो उससे अलग करते राजनीति, अगर आपको करनी थी भाई स्कूल पे क्या राजनीति करनी है, उसमें सभी के बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ जब से मैंने होश संभाला है मैंने उसको यूनिवर्सिटी को देखा है। पुरानी ज़मीनें नहीं कब्जाई जा सकती? पुरानी ज़मीनें किसकी कब्जाई है? आपकी दबी हुई है उसमें? मेरी नहीं, वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है। अगर आपकी कोई समस्या है, अगर आप बता रहे हैं कि यहाँ पर ये कूड़ा पड़ा है तो वहाँ के लोग बताएंगे ना। उस यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा ये है, उसको यूनिवर्सिटी को इन्होंने बंद कराया गया। कम से कम उन्हें अगर बंद करानी थी तो ना एक एक आदमी को या जिसकी ज़मीन वहाँ पर कब्जाई हुई है उसने बीजेपी ही सरकार में क्यों इस चीज़ को कहा कि जी हमारी ज़मीन दबी हुई है? अब से पहले किसी सरकार में क्यों नहीं कहा उन्होंने? आज़म खान साहब को इसलिए सता रही है सरकार क्योंकि वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। मतलब भेदभाव हो रहा है? हाँ, उस हर आदमी को सताया जाएगा जो उस पार्टी से जुड़ा हुआ होगा और ख़ासतौर से मुसलमान होगा। तो मतलब ये बात मुसलमानों वाली चल रही है? बिल्कुल चल रही है, बिल्कुल चल रही है। उस हर आदमी को सताया जाएगा जो समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है और खासतौर से मुसलमान है, सताया जाएगा। सरकार तो कहती है हम तो बुलडोजर विकास दुबे पे भी चला देती है। विकास दुबे पे क्या बुलडोजर चलवा दिया? कुछ करा देते हैं, गाड़ी पलट दवा देते हैं, क्या करवा दिया? ये सब दिखावे हैं और कुछ नहीं है। ये मुझे बता दो तुम किस पे बुलडोजर चलाया सीधा, सिवाय मुसलमान के अलावा और कुछ नहीं हो रहा है। भेदभाव हो रहा है? भेदभाव हो रहा है पक्का। अब ये उनकी यूनिवर्सिटी को बंद करा दिया। अतीक अहमद की बात हो रही है? अतीक अहमद का नहीं, मैं बताऊंगा कि अतीक अहमद के बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है, जिस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन अभी उनसे जुड़ा हुआ एक स्कूल अभी चल रहा था, उसको उन्होंने सील लगवा दी, जिसमें उन्होंने 15 दिन का टाइम भी दिया, उसको सील करा दिया। कम से कम ये तो देखते बच्चों के पेपर चल रहे हैं, उन्हें पेपरों को तो फैल होने देते, लेकिन उन्हें तो पढ़ाई लिखाई से तो कोई मतलब ही नहीं है। पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है क्यों? अगर इस देश का युवा पढ़ गया
तो वो सवाल उठाना शुरू कर देगा। इनका सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि इनको पढ़ाया ना जाए, इनको शिक्षित ना किया जाए, लेकिन जिस दिन ये युवा शिक्षित हो गया उस दिन सवाल उठाने शुरू कर देगा। इसलिए सबसे बड़ा मुद्दा है इनका, इनको शिक्षित ना होने दिया जाए। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बंद कर दी, उनका बच्चों का स्कूल बंद कर दिया, उसके बाद फिर उनके पेपर चल रहे काफ़ी मशक्कतों बाद उनको कॉलेज को उनके को खोला गया, लेकिन ये गलत है। यहाँ न तो हिंदू मुसलमान की, यहाँ भारतीयता की बात होनी चाहिए। एक सवाल मेरा ये है, आपके पास आने का मतलब ये बन जाता है कि जब विपक्ष के नेता जो सरकार का विरोध करते हैं वो जब ये कह देते हैं कि मुसलमानों को डराया जा रहा है, तो सच्चाई कौन बताएगा? आप बताएंगे, मैं बताऊंगा, ये बताएंगे। आप बताएंगे, हम बताएंगे, सच्चाई के लिए सबको आगे आना होगा। जिसको डर, सच्चाई क्या, हाँ, जिसको डर लगता है, ये आप नोट कर लें, जिसको डर लगता है वो सच्चाई वालों को क्या करता है, वो जेल के अंदर जा लेगा, उसे अदालत के न्यायालय के अधीन करके उसके ऊपर ये किया जाए। जैसे आपने कहा, मैं समझ गया, राहुल गांधी हो या राजनीतिक दिगर आदमी हो, कोई भी हो, विधायक हो, एमपी हो, एमएलएज हो, कोई भी हो, उनके प्रति जो है उनकी जो धारणा है, उनकी भावनाएं हैं सत्ताधारियों की, वो उचित नहीं है। आपको याद दिला दूं, आपसे कुछ दिन साल पहले, दो साल तीन साल पहले एक दिवंगत हो गए नेता, सांसद थे, अहमद पटेल साहब, अहमद साहब, इस भारतीय संविधान में वो काला दिन लिखा जाएगा, ये नोट कर लें, कौन सा दिन, जिस दिन उस एक सांसद की मौत हो जाती है फिर भी संसद खुला रहता है, ऐसा कभी नहीं हुआ था जो बीजेपी सरकार में हुआ, ये नोट कर लें। मैं कोई ये दुबी चुपी बात है, लोग एक मिनट, कुछ लोग अतीक अहमद का भी समर्थन कर देते हैं, जो गुंडा है, माफिया है, हैं, आप समर्थन करते हैं क्या ऐसे लोगों का? देखिए भाई साहब, जहाँ तक सवाल है अतीक अहमद का, आप अतीक अहमद को कम्युनिटी से मत जोड़े, मुसलमानों से मत जोड़े। अगर अतीक अहमद अच्छा होता तो हर आदमी जोड़ता, उसके साथ होता, अगर वो गलत है तो कोई उसके साथ नहीं जाएगा, मैं क्या, आप भी क्या, कोई भी नहीं जाएगा। सही बात है। लेकिन जो हमें है, हमें क्या चाहिए, मूलभूत सुविधाओं में शिक्षा चाहिए, जो हमें नहीं मिल रहा है, शिक्षा चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए, मॉब लिंचिंग हो रही है। आपको मैं बता दूं, आपके सवाल के अनुकूल मैं बता रहा हूं, जुनेद और नासिर को मार दिया जाता है, जो मारने वाला है उसके पक्ष में समर्थन में लोग भीड़ इकट्ठा होते हैं। ये भीड़ तो सिर्फ आपको देखने के लिए आए कि आप क्या प्रश्न कर रहे हैं, आप हम लोगों को क्या, हम लोगों के लिए फ़ायदा करवाएंगे, ये है, क्योंकि सोशल मीडिया का युग है और सोशल मीडिया के माध्यम से ही सर चीज़ें बाहर जाएगी, न कि ये गोदी मीडिया, मोदी मीडिया या अन्य मीडिया पहुंचाएगी, सिवल अगर पहुंचाएगी तो सोशल मीडिया पहुंचाएगी, आप जैसे युवा पहुंचाएंगे, शिक्षित और जानकार पत्रकार ही पहुंचाएंगे। अच्छा, आपका क्या नाम हो गया? मोहम्मद मुख्तार सर। अच्छा, ये बताइए क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में, सब बढ़िया है क्या? सर मैं यहाँ का रहने वाला हूँ ना, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार के रहने वाले, अच्छा इधर से बात कर लेते हैं, क्या नाम हो गया आपका? नईमुद्दीन सर। नईमुद्दीन जी, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, उत्तर प्रदेश से नहीं, उत्तर प्रदेश का नहीं है, मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली से।